हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस कैसे हो आप सब लोग। फार्मिंग सिमुलेटर 23 की एक न्यू सीरीज़ में आप सबका वेलकम है। गाइस जब से फार्मिंग सिमुलेटर 23 की न्यू अपडेट आई है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम लोग जो है वो एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करूँ। मैं पर्टिकुलरली नॉट हम लोग यानी कि जाहिर है मुझे ही करनी थी। अब जो है वो मैं पहले तो सोच रहा था कि क्या करूं, बट फाइनली काफ़ी टाइम लगाने के बाद तकरीबन एक दो दिन हो चुके हैं मुझे, मैंने ये न्यू प्रोफाइल स्टार्ट किया और इसको खेलते हुए, और इसके बाद जो है वो मुझे फाइनली एक आइडिया क्लिक किया और मैंने सोचा कि वाई नॉट कि हम लोग ये चीज़ करें, क्योंकि जाहिर है कुछ ना कुछ न्यू तो होना चाहिए न्यू सीरीज़ में। अगर हमने सेम ही चीज़ें रिपीट करनी है सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यू नो स्टार्टिंग आ न्यू सीरीज़। तो मैंने अब थोड़ा सा जो है वो अपना माइंड बना लिया है, और माइंड ये बनाया है कि मेरा प्लान है कि मैं इस वाली सीरीज़ को जो है वो एटलीस्ट मिनिमम जो है वो 50 मिलियन तक लेके जाऊं। यानी कि जो हमारा फार्म होगा, जो ज़मीनें होंगी, जो मशीनरी होगी, इसके अलावा भी इस प्रोफाइल के अकाउंट में हमारे पास जो है वो 50 मिलियन हों। और वो कब तक होंगे, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, ठीक है मुझे नहीं पता अभी टू बी ऑनेस्ट। और अब ये डिपेंड करेगा, मैं इस बार जो है वो ऑब्वियसली कुछ जो है वो चीज़ें डिफरेंटली भी करूँगा, ठीक है। जो ऑब्वियस सी चीज़ें हैं जो हमने पहले ही पाथ जो है वो चूज़ कर लिया है वो शायद मैं ना यूज़ करूँ, क्योंकि फिर इस तरह कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगी अगर हमने उसी रास्ते पर चलना है जो हम पहले भी कर चुके हैं। सो व्हाट्स द पॉइंट यू नो कि हम जो है वो दोबारा से सीरीज़ स्टार्ट करें अगर हमने वही चीज़ें जो है वो वापस से ट्राई आउट करनी है। सो मेरी कोशिश होगी इस बार थोड़ा सा जो है वो हट के चलूँ, थोड़ा सा डिफरेंट रूट जो है वो चूज़ करूँ। सो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं ये गेम कितनी खेल चुका हूँ। न्यू प्रोफाइल मैंने स्टार्ट किया था, और बाय द वे अगर आपको नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने अच्छे से गाइड किया है कि आपने फार्मिंग सिमुलेटर 23 में एक न्यू प्रोफाइल कैसे स्टार्ट करना है ताकि आपका जो है वो बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके, आपको स्टार्ट ही काफ़ी अच्छा मिले, आप स्टार्ट से ही जो है वो काफ़ी एक स्पीडी फार्म चलाने के जो है वो काबिल हों। सो मैंने बिल्कुल अपनी उस वीडियो को फॉलो करते हुए वैसे ही स्टार्ट किया। अभी तक इस गेम में मेरे जो है वो 6-7 घंटे जो है वो हो चुके हैं, मतलब इन गेम मैंने टाइम जो है वो स्पेंड कर दिया, 6-7 घंटे की जो है वो मैंने गेम खेल ली है, और मैं अब वीडियो बना रहा हूँ। और इस 6-7 घंटे में मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्राइंडिंग की है, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग में करनी पड़ती है चाहे आप कुछ भी करो। अगर आपने पैसे पे नहीं करने हैं, क्वींस जो यहाँ पे हमें शॉप पे मिल रही होती है, अगर आपने ये बाय नहीं करनी है, आप स्पेंडर नहीं बनना चाहते, सो आपको जो है वो फिर दूसरा ऑप्शन ग्राइंडिंग का है जो कि आपको करनी ही पड़ती है, ठीक है। सो मैंने ग्राइंडिंग की है 6-7 घंटे जो है वो, या इससे ज़्यादा ही टाइम हो चुका होगा। और इस ग्राइंडिंग के प्रोसेस में मुझे मिला क्या है, दैट्स द रियल क्वेश्चन। और आप लोगों के माइंड में भी ये सवाल जो है वो चल रहा होगा कि इतनी ग्राइंडिंग का जो है वो फ़ायदा क्या हुआ, तो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। सो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे नज़दीक जो स्टार्टिंग में इतनी ग्राइंडिंग का फ़ायदा हुआ है वो ये है कि मैंने तकरीबन प्रीटी मच अपने जितने भी टूल्स हैं इस ट्रैक्टर को छोड़ के सारे जो है वो अपग्रेड कर लिए हैं, ठीक है। चाहे वो ट्रेलर हो, चाहे वो हेडर हो हार्वेस्टर का, ठीक है हार्वेस्टर चेंज नहीं की, मेरा नहीं ख्याल कि इस हार्वेस्टर के होते हुए हमें ज़रूरत भी है इतनी जल्दी कोई हार्वेस्टर चेंज करने की, ठीक है। आप इसी हार्वेस्टर से जो है वो अपना काम चला सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि इस हार्वेस्टर को हॉर्स पावर के रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है। फार्मिंग सिमुलेटर 20 की जो हार्वेस्टर थी स्टार्टिंग में हमें मिलती थी जॉन डीयर की, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही ये था कि उसकी हॉर्स पावर बहुत कम थी। जैसे ही कोई ऊंचाई वाली जगह आती थी या ऐसा फील्ड आता था जिसमें ऊंची नीची जगह होती थी, तो वो ऊंचाई पर चढ़ते वक्त उस हार्वेस्टर की तौबा तौबा हो जाती थी, ठीक है, तो वो चढ़ ही नहीं पाती थी, ठीक है। तो वो आपकी मजबूरी बन जाती थी उस गेम में अपनी हार्वेस्टर को अपग्रेड करना। बट ऑन दिस केस, इस केस में जो है वो हार्वेस्टर हमारी हॉर्स पावर वाइज बिल्कुल एम्पल है। आप इसके साथ सबसे बड़ा हेडर भी कनेक्ट कर सकते हो, इसको हेडर के रिलेटेड पावर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी RPM बिल्कुल ठीक रहती है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, प्रॉब्लम आपको आती है क्योंकि ये हार्वेस्टर बिल्कुल स्टार्टिंग में है, एक तो इसकी मूविंग स्पीड जो है वो कम है, यानी कि जिस स्पीड पे ये मूव करती है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, 20 की स्पीड लिमिट है। सेकंड चीज़, इस हार्वेस्टर की डाउनसाइड ये है कि इस हार्वेस्टर का पाइप बहुत शॉर्ट पड़ जाता है। अगर आप कोई बड़ा हेडर लगाते हो तो फिर आप इसको चलते चलते खाली नहीं कर सकते, आपको इसको रोक के साइड पर टिप्पर लगा के जो है वो फिर इसको जो है वो आपको अनलोड करना पड़ता है, ये इसको एम्प्टी करना पड़ता है। तो ये दो मेजर जो है फ्लॉज हैं इस
हार्वेस्टर के साथ। खासकर जो दूसरा वाला पॉइंट है कि जिसमें आपको इसको अनलोड करने के लिए पाइप छोटा पड़ जाता है, तो आपको बिल्कुल एक ट्रेलर अलाइन करना, तो वो स्टार्टिंग में तो इतना इशू नहीं लगता, बट जैसे जैसे आप गेम खेलते रहते हो एक टाइम आता है कि आप जो है वो उकता जाते हो इससे कि यार ये क्या मुसीबत है, इससे तो बेहतर है कि मैं न्यू हार्वेस्टर ले लूँ। जब भी आपके माइंड में ये ख्याल आए तो आप सीरियसली कंसिडर करना शुरू कर दो कि भाई मैंने ये अब हार्वेस्टर अपग्रेड करनी है, क्योंकि फिर गेम का मकसद होता है फन। ठीक है, गेम का मकसद ये नहीं होता कि आपने जो है वो कुछ अननेसेसरी चीज़ें जो है वो बर्दाश्त करनी। ठीक है, गेम का मकसद होता है फन, आपको इंजॉय करना होता है गेम, आपको जो है वो गेम जो है वो यूजुअली ऐसा होता है कि रियलिटी से एस्केप करने में हेल्प करता है। आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, आप गेम खेलते हो, आप रिलैक्स हो जाते हो, आप इंजॉय करते हो, यू हैव गुड टाइम। ठीक है, सो आपने ये नहीं करना कि इस गेम को ही अपने ऊपर जो है वो बर्डन बना लेना है, और अगर आपके हार्वेस्टर या कोई भी इस गेम में प्रॉब्लमेटिक चीज़ है तो आप उसको जो है वो लेके चलते रहो, नहीं ऐसा नहीं करना आपने, आपने बिल्कुल जो है वो इंजॉय करना है। सो अगर आप मतलब कि ऐसा करोगे तो तभी जो है वो आपको इंस्पिरेशन आएगी कि यार मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं कम टाइम में ज़्यादा पैसे अर्न कर सकूँ इस गेम में, सो तभी जो है वो आप कुछ आगे जो है वो कर पाओगे और ये गेम आपके लिए थ्रिलिंग भी हो जाएगी। सो देट वॉज द थिंग। काफ़ी लंबी होगी डिबेट इस चीज़ के ऊपर, हार्वेस्टर के ऊपर। अब मैं बात करता हूँ जो नेक्स्ट चीज़ मैंने करी है, वो है कि मैंने वो सामने वाला फील्ड जो है वो परचेज किया है। तो फील्ड परचेज करने से ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि ज़्यादा जो है वो हमारे पास एरिया आ जाता है, सो हमने जो टाइम स्किप करना होता है, ठीक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें जो है वो हेल्प मिल जाती है। यानी कि देखो, तीन फील्ड होंगे तब भी हमने उतना ही टाइम स्किप करना है ताकि क्रॉप रेडी टू हार्वेस्ट हो जाए, चार फील्ड होंगे तब भी, 10 फील्ड होंगे तब भी, ठीक है। सो उससे ये होगा कि फिर हमारे पास जो है वो वर्किंग एरिया ज़्यादा आ जाएगा, वर्किंग एरिया ज़्यादा आएगा इसका मतलब है क्रॉप्स हमारे पास ज़्यादा आएंगे, ठीक है। सो इट ऑल मैटर्स। तो मेरे ख्याल से जो अभी मैंने अप्रोच की है वो ठीक है, मैं सिंपली जो है वो स्विच कर रहा हूँ बिटवीन टू डिफरेंट क्रॉप्स। अभी तो बाय द वे मैं जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन प्लांट कर रहा हूँ, बट यूजुअली ऐसा होता है कि मैं जो है वो स्विच करता रहता हूँ बिटवीन टू क्रॉप्स। तो अब अगर जून में अगर मेरे को अभी कोई क्रॉप प्लांट करनी होती तो मैं कनोला प्लांट करता था, क्योंकि उसकी प्राइस दिसंबर में जाके हाई हो जाती है, नवंबर दिसंबर में, और नवंबर दिसंबर में अगेन मैं प्लांट कर देता हूँ सोयाबीन, क्योंकि उसकी प्राइस जो है वो जून में हाईएस्ट हो जाती है। सो मैं अभी तक जो ग्राइंडिंग की है यूजुअली इन दो क्रॉप्स के ऊपर की है, और मैंने अभी तक कोई प्रोडक्शन बिल्डिंग परचेज नहीं करी। चिकन्स जो थे वो मैंने स्टार्टिंग में ही सेल कर दिए, क्योंकि देते दूते वो कुछ है नहीं, उल्टा खाम खाम में आपके वो एक पैलेट जनरेट हो जाता है, और जब आप फार्म पे आते जाते हो तो वो आपको बड़ा तंग करता है। अभी मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूँ, ठीक है, ये चार फील्ड है मेरे पास, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 1, 3, 4 के ऊपर जो है वो सोयाबीन लग चुकी है और ग्रो भी कर रही है, जबकि फील्ड नंबर 3 जो है इसके ऊपर अभी हमने जो है वो प्लांट करनी है। जून का मंथ है, होपफुली हमारे पास कुछ सोयाबीन होगी जिसको अभी हम सेल कर देंगे, और सेल करने से जो पैसे आएंगे वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या उसका हम लोगों ने करना क्या है, ठीक है। सो लेट्स गो। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हम लोग जो है वो इधर हेल्पर लगा देते हैं ताकि ये जो है वो हमारा काम करता रहे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने हेल्पर लगा दिया, और अब जल्दी से इस ट्रैक्टर को फारिग करते हैं और इसको जो है वो यूज़ करते हैं। बाय द वे, एक और जो है वो मैंने अब थोड़ा सा दोबारा से ग्राइंडिंग की है, सो आई वुड लाइक टू शेयर एडवाइस आप लोगों को देना चाहता हूँ अगर आप भी न्यू करियर स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास पहले 3 फील्ड हैं तो कोशिश करें आप उसके ऊपर हर्बिसाइड या इसके जो स्प्रे है या फर्टिलाइज़र वो यूज़ ना करें, इससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा और आपको आउटपुट जो है वो कम मिलेगा। वही टाइम जो है वो आप अगर जल्दी जल्दी से नाइट स्किप कर दोगे तो आपको 50% यील्ड के ऊपर उतने टाइम में आप 2 दफ़ा क्रॉप हार्वेस्ट कर लोगे, बजाय इसके कि आप ये दोनों चीज़ें यूज़ करें। और मैंने बाकायदा एक्सपेरिमेंट भी किया है, ठीक है, मैं आपको बता दे सकता हूँ ये वाला जो फील्ड है ना, अगर आप इसके ऊपर हर्बिसाइड यूज़ करते हो और फिर फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 1000 लीटर सोयाबीन एक्स्ट्रा मिलती है। और मतलब कि यूजुअली ऐसा होता है कि 4000 लीटर अगर आप हार्वेस्ट नहीं, मतलब इसके ऊपर आप हर्बिसाइड और फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते तो ये फील्ड आपको 4000 लीटर की सोयाबीन देगा। अगर आप ये दोनों चीज़ें करते हैं तो आपको मिलेगी 1500 लीटर्स लगा लो आप, तो आपको मिलेगी 5500 लीटर सोयाबीन। सो
अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि 1500 लीटर सोयाबीन के लिए क्या इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना वर्थ इट है या नहीं। सो अगर तो आपके पास और कुछ करने को नहीं है सो आप ये कर सकते हो, अगर आपके पास है कुछ करने को तो आई सजेस्ट के आप ये काम ना ही करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो यील्ड के ऊपर नहीं पड़ता। मुझे कम से कम पहले लगता था कि बहुत ज़्यादा फील्ड पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि 50% यील्ड हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, बट जो ऑलरेडी होता है वो उसका 50% यील्ड जो है वो इंक्रीज़ होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 1500 या मैक्सिमम लगा लो कि हाँ 1500 लीटर का ही डिफरेंस जो है वो निकलता है मैक्सिमम। वैसे ऑन एवरेज जो है वो 1100-1200 लीटर हमें जो है वो सोयाबीन एक्स्ट्रा मिलती है। सो या दैट वाज रियली रियली इंटरेस्टिंग, और मैंने ये आज खुद ही एक्सपेरिमेंट किया जब मैंने ये न्यू प्रोफाइल स्टार्ट किया था। सो इट्स अप टू यू, अगर आप न्यू कैरियर स्टार्ट करते हैं सो यू कैन यू नो डिसाइड कि आप लोगों को जो है वो किस स्ट्रक्चर में जाना। अब यहाँ पे देखो अभी मेरे पास टाइम है तो मैं अभी ये चीज़ कर रहा हूँ, बट अगर आप लोग के पास तीन ही फील्ड हों तो आप लोग जो है वो कोशिश करना कि ये चीज़ें जो है वो ना करना। अच्छा अभी हम लोग चेक कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइसेस चेक कर लेते हैं, और हमारे यहाँ पे जो सोयाबीन है इसमें 68,000 लीटर्स जो है वो सोयाबीन पड़ी हुई है, और इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो हमें नॉर्थ के ऊपर जो है वो थोड़ी सी बेहतर प्राइसिंग जो है वो देखने को मिल रही है। अब नॉर्थ का सेलिंग स्टेशन का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर हमें जो है वो यू नो हेल्पर जो है वो ऑटोमेट नहीं होता है, वहाँ पे जाके वो स्टक कर जाता है। सो जिस वजह से जो है वो हम लूप में कोई जॉब जो है वो नहीं लगा सकते, सो ये हमें मैन्युअली ही सेल करनी पड़ेगी। नाउ अब मेरे माइंड में ना दो तीन ऑप्शंस चल रहे हैं और मैं बड़े ही कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं इनमें से क्या चूज़ करूँ, ठीक है। सो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो क्या हैं दो तीन ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर वन है कि मैं जो है वो एक मोवर परचेज़ करूँ। वेट अ मिनट, कहाँ पे गई शॉप, ठीक है। तो इसका ज़रा हम कैलकुलेट कर लेते हैं ख़र्चा और देख लेते हैं कि क्या खर्चा पानी यहाँ पे बनता है। सो वेयर इज़ द मोवर 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 मोवर, ठीक है। सो 85,000 का हमारा मोवर हो गया। सो ऑब्वियसली इसके बाद हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए वो है ये वाली लोडिंग वैगन, तो इसमें हम प्लस कर देते हैं 1,31,000, ठीक है। सो अगर हम ये सम आउट करें तो हमारे पास बन जाता है 2,16,000, ठीक है। यू नो आपको भी समझ आ चुकी होगी कि मैं किस तरफ जो है वो इशारा कर रहा हूँ, किस तरफ यानी कि मैं जाना चाह रहा हूँ। सो मैं ये ख़र्चा कैलकुलेट कर रहा हूँ कि क्या मैं यहाँ पे शीप रखूँ या फिर एक एक्स्ट्रा फील्ड परचेज़ करूँ और साथ में एक बड़े वाला सीडर परचेज़ कर लूँ। सो क्या करना चाहिए टेक्निकली ये वाला सीडर भी ठीक है बट इसकी वर्किंग रेंज थोड़ी सी कम है, सो इस वजह से जो है ये काफ़ी फॉल बिहाइंड करता है हार्वेस्टर से। और ऑब्वियसली फिर अगर हम लोग जो है वो बड़े वाला लेते हैं सीडर बड़ा लेते हैं तो मे बी हम लोग जो है वो अपनी हार्वेस्टर का हेडर भी अपग्रेड कर सकते हैं। सो हमें हार्वेस्टर के हेडर में भी जो है वो एक एडवांटेज देखने को मिलेगा। सो उससे होगा ये कि थोड़ी सी शॉर्ट टर्म के लिए हम अपने जो ग्राइंड करना है हमने यानी कि ये हमने जो सोयाबीन अगेन एंड अगेन प्लांट करनी है सो उसमें हमें हेल्प मिलेगी। ऑप्शन बी ये है कि यहाँ पे हम लोग जो है वो शीप फार्म परचेज़ करें, उसके ऊपर शीप परचेज़ करें, शीप को फीड करने का सेटअप बाय करें और फिर स्पिनरी बाय करें, जो कि ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी खासी जो है वो कॉस्ट करेंगी हमें। सो मेरे ख्याल से 90,000 हम इसमें ऐड कर लेते हैं शीप फार्म का, क्योंकि इतना तो उसके ऊपर जो है वो आ जाता है। फिर हम उसके ऊपर जो है वो प्लस कर देते हैं, लेट्स सपोज हम 20,000 कर देते हैं शीप बाय करने का, ठीक है। फिर अब हमारे पास रह जाती है स्पिनरी। अब स्पिनरी का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो हम कितने में परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्पिनरी हमने किस लिए परचेज़ करनी है, ताकि हम लोग जो है वो फैब्रिक बना सकें। सो लेट्स सपोज अगर हमें स्पिनरी कॉस्ट करती है 80,000, ठीक है, तो हम उसमें 80,000 ऐड कर देते हैं। सो ये हमारे पास फार्मूला निकल के आता है 4,06,000 का, और इसमें अभी हमने टेलर शॉप के जो है वो पैसे ऐड नहीं किए। सो आई बिलीव कि कर करा के ये हमारा टोटल एक्सपेंस जो है वो चला जाएगा 5,00,000 के करीब, ठीक है, क्योंकि टेलर शॉप मुझे पक्का बताया कि वो 1,00,000 कॉस्ट करती है, ठीक है। जबकि अगर हम ऑन दी अदर हैंड डिसाइड करें कि हमने जो है वो स्पिनरी परचेज़ नहीं करनी और हमने जो है वो उसकी जगह पे कॉटन को अगर हम यू नो आगे लेके चलें, क्योंकि अभी हमने फील्ड तो परचेज ही कर ही लेने हैं,
सो तब हमारे पास जो है वो क्या कैलकुलेशन आएगी। सो वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 485,000 का हमारी बन जाती है जो है वो कॉटन की हार्वेस्टर। और अब इसके बाद हम प्राइस ऐड करते हैं ये वाले प्लांटर की, तो इसमें अब अगर हम प्राइस ऐड करें 1,00,000, ठीक है, 39,000 अगर हमने इसकी प्राइस ऐड कर दी, तो ये हमारे पास बन गए 6,24,000। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए वो ऑब्वियसली हमें जो है वो कॉटन का बेल पिकर चाहिए, ठीक है। तो उसमें अब हम प्राइस ऐड कर देते हैं 26,000, ठीक है, हम सिंगल वाला पहले परचेज कर लेते हैं। सो ये 6,50,000 का टोटल हमारा खर्चा बन रहा है। सो अगर हम शीप के साथ जाते हैं तो 5,500 तो तब भी बन जाएगा, और अगर हम सिंपल कॉटन के साथ जाते हैं तब हमारे पास ऑप्शन ये होगा कि हम लोग जो है वो कॉटन से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं तो जो शीप है उससे मुझे जो है वो कॉटन ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगती है, क्योंकि शीप एक तो इतनी ज़्यादा वूल प्रोड्यूस नहीं करती, ऊपर से आपको उनका जो है वो अलग से केयर करना पड़ता है, फिर आपको एक फील्ड जो है वो अपना वो भी जो है वो उनको पक्का पक्का जो है वो अलॉट करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर आपने ग्रास प्लांट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो शीप के साथ चल रही होती हैं, और एंड रिज़ल्ट मिलता है आपको वूल। वूल को अगर आप जो है वो पहले स्पिनरी पे लेके चलते हो, स्पिनरी फिर आगे लेके चलते हो, तो मतलब पूरे साल में आपको 2 से 3 जो है वो मिल जाते होंगे इसके क्लॉथ्स के पैलेट्स। तो आई गेस 35,000 का एक पैलेट बिकता है, तो मैंने पहले भी कई दफ़ा हिसाब लगाया है। सो कॉटन मेरे ख्याल से वर्थ इट रह जाती है, और कॉटन का ये है कि फिर अगर आपको एट सम पॉइंट आपको लगे कि कॉटन इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, सो यू विल स्टिल हैव द ऑप्शन कि आप स्पिनरी परचेज करके फिर भी आप क्लॉथ्स की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आप जो है वो स्टार्टिंग में ही शीप फार्म परचेज कर लेते हो और स्पिनरी भी परचेज़ कर लेते हो, फिर आप कॉटन को तो भूल ही जाओ, फिर आप डायरेक्ट कॉटन सेल नहीं कर सकते। और जो एक और बहुत मेजर ड्रॉबैक है जो कि मुझे लगता है कि है यहाँ पे कॉटन के साथ, वो ये भी है कि आप अगर जो स्पिनरी के साथ है प्रॉबेबली वो ये है कि स्पिनरी बहुत स्लो जो है वो प्रोड्यूस करती है फैब्रिक। तो चाहे आपने वूल और कॉटन दोनों ही चीज़ें अनलोड करी हो, फिर भी वो बहुत स्लो जो है वो करती है प्रोड्यूस, फैब्रिक प्रोड्यूस करती है। जब वो फैब्रिक स्लो प्रोड्यूस करती है दैट मींस कि आपकी जो टेलर शॉप है वो भी कम बहुत स्लो जो है वो क्लॉथ प्रोड्यूस करेगी, और इवेंचुअली जो है वो आपको उतना प्रॉफिट जो है वो नज़र नहीं आता जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते। कॉटन ऑन दी अदर हैंड इज़ वेरी वेरी सिंपल, आपने सिंपली जो है वो हार्वेस्ट करते जाना है, बेल स्टोर करते जाना है, जैसे ही आपके पास जो है वो बेल स्टोर होती जाएँ तो आप जो है वो अच्छी प्राइस पे सेल करते जाओ। एक बेल सेल करोगे आपको 80,000-90,000 जो है वो मिल जाते हैं, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो मेरा तो फ़िलहाल इस तरफ को जाने का प्लान बन रहा है, बट एज आई सेड और जैसा मैंने अभी आप लोगों को दिखा भी दिया है, तो आप लोग अब बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में व्हाट पाथ आई शुड चूज़, क्या मुझे शीप परचेस करनी चाहिए, ठीक है। और आई स्ट्रॉन्गली रिक्वेस्ट कि आप ज़रूर से जो है वो इस चीज़ के ऊपर अपनी ओपिनियन दो कमेंट सेक्शन में जाके, कि क्या मुझे शीप रखनी चाहिए और साथ में स्पिनरी परचेज़ कर लेनी चाहिए, या फिर मुझे थोड़े से मज़ीद पैसे करके सीधा सीधा जो है वो कॉटन का सेटअप लगाना चाहिए और कॉटन के साथ ही जाना चाहिए। क्योंकि कॉटन के साथ जाने का फ़ायदा ये है कि मेरे पास फिर भी ऑप्शन होगा कि मैं जो है वो स्पिनरी परचेज़ करके, ठीक है, और टेलर शॉप परचेज़ करके, तो ये दोनों चीज़ें कर सकता हूँ। बट अगर लेट्स सपोज मैं शीप के साथ जाता हूँ तो ऑब्वियसली फिर मेरे पास कॉटन सेल करने का तो ऑप्शन नहीं होगा, फिर मुझे जो है वो फिर प्रॉब्लम ये भी होती है कि कॉटन की बेल वहाँ पे पड़ी रहती है और वो स्पिनरी इतनी स्लो होती है, वो प्रोसेस ही नहीं करती उसको जल्दी, तो जिस वजह से जो है वो कॉटन की बेल उधर ही पड़ी रहती है और आप बाकी जो है वो बेल पकड़ के हाथ में बैठे होते हैं, कब मैं बाकियों का क्या करूं, क्योंकि बेच तो सकते नहीं हो, तो वो उसी नहीं प्रोसेस करनी होती है, और कोई किस कहीं पे भी आप अपनी फिर कॉटन जो है वो सेल भी नहीं कर सकते। सो मेरे लिए तो मतलब बाद में एक दो दफ़ा हमने पहले भी सीरीज़ में ऐसा किया था, तो बाद में वो बड़ा हेडेक बन जाता है और आपको लगता है कि ये आपके साथ जो है वो थोड़ा सा अनफेयर हो रहा है, क्योंकि आपकी जो कॉटन होती है वो पड़ी रहती है। आई नो कि आप उसको स्टोर कर सकते हो और ओवर द टाइम उसको यूज़ कर सकते हो, बट अगेन प्रॉब्लम यही है
कि स्पिनरी जो है वो इतना स्लो डाउन करती है आपकी प्रोडक्शन को, क्लॉथ्स की प्रोडक्शन को, कि आपका जो है वो मज़ा किरकिरा हो जाता है। सो मैं ये चीज़ नहीं चाहता। सो आई गेस अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देखूँ तो आई वुड गो विद कॉटन सेटअप, और उसके लिए फिर अभी ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा मज़ीद ग्राइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये 68,000 लीटर अगर हम सेल करते हैं ये सोयाबीन, तो इससे हमें जो है वो टोटल क्या मिलता है। सो ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, 3-3.5 लाख मैक्सिमम हमें मिल जाएगा, क्योंकि यस ये तकरीबन 60,000-65,000 डॉलर का ये एक ट्रेलर बिकता है। सो और इसमें होती है कैपेसिटी मेरे ख्याल से 18,000 लीटर्स की। सो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको इधर पार कर लूँ, तो ये जब मीनवाइल अनलोड हो रही होगी तो हमारे पास है जी टोटल 68,000 लीटर्स, ठीक है। 68,000 लीटर हमारे पास सोयाबीन है, इसको अगर हम डिवाइड करें 18,000 के ऊपर तो लेट्स सी, तो ये हमारे पास 3 ट्रेलर निकलेंगे। अब इनको 3 को हम मल्टीप्लाई करें बाय 66,000 से, ठीक है, तो ये हमारे पास 2.5 लाख की सोयाबीन पड़ी हुई है सिंपल कैलकुलेशंस के बेस के ऊपर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, बट रफली हमारे पास 2.5 लाख की जो है वो पड़ी हुई है। सो अभी 70,000 हमारे पास पहले से ही था, तो वो भी इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाते हैं 3,19,000 डॉलर्स, ठीक है। तो इसमें अभी हमें तकरीबन 3.5 लाख ही मज़ीद चाहिए। सो मतलब एक और डे होगा मेरा ग्राइंडिंग का, उसके बाद जो है वो मैं इस काबिल हो जाऊँगा कि हम लोग जो है वो अपना कॉटन का सेटअप परचेज कर लें। फिर कॉटन जो है वो इन 4 फील्ड्स के ऊपर हार्वेस्ट करते रहेंगे, जैसे ही 2-4 बेल्स होंगी उनको सेल करेंगे, तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम मज़ीद फील्ड्स जो है वो परचेज करते रहें। सो मेरे ख्याल से कॉटन को अगर हम ऐसे लेके चलते हैं, फील्ड परचेज करते रहते हैं, उसके ऊपर प्लांट करते रहते हैं कॉटन, सो वी विल बी गुड, और हम लोग जो है वो एक अच्छे जो है वो मनी फ्लो में होंगे। सो गाइस, अब मैं ये गेम प्ले जो है वो यहीं पे एंड कर देता हूँ। आई नो इट्स अ शॉर्ट गेम प्ले, बट इट्स बिल्कुल जो है वो कह रहे हो कि एक तरह से इंट्रोडक्शन था, और यहाँ पे मैं अब इस दराहे पे हूँ कि मुझे आप लोगों की ओपिनियन चाहिए कमेंट सेक्शन में। सो इसलिए मैं ये गेम प्ले यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और अपनी ओपिनियन लाजमी दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, और गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।